वंदे भक्तजना श्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। तपश्चर्या के परम शिखर ऐसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में जो जो नाम आते हैं उन सभी नामों की बहुत बड़ी मार्मिक व्याख्या की है। हमें उन नामों के पीछे छिपे हुए रहस्य से अवगत कराया है। श्लोक नंबर 20 में जो नाम आते हैं उनमें से एक है शाश्वत। शाश्वत शब्द की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं शाश्वत सर्वेषु कालेषु भवति इति शाश्वत, जो हर समय में है, जो सदा है, जिनका कभी भी अभाव नहीं है, उनको कहते हैं शाश्वत। और यही बात श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में जो चतुश्लोकी भागवत आता है उनमें भी कही गई है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहम् यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब मैं ही हूं, और जब सब नष्ट हो जाएगा तब यह अवशिष्येत, तब जो शेष रहता है वो मैं हूं। और यह केवल श्रीमद् भागवत या सनातन धर्म संबंधित ही विचारधारा नहीं है, इस सिद्धांत की स्वीकृति दुनिया के सभी धर्मों में मिलेगी। जो कोई भी धर्म संबंधित संप्रदाय है, धार्मिक विचारधाराएं हैं, उन सभी विचारधाराओं में ये बात बिल्कुल स्पष्ट मिलती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी धर्म के व्यक्ति को पूछो कि आप जिस परम चैतन्य को मानते हो वो कब तक रहेगा, उनका अस्तित्व कितने साल है या कितने युगों तक है, वो कहेगा आपको कि क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो, अरे हमारा भगवान तो हमेशा रहता है। दुनिया का कोई भी धर्म कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमारा भगवान इतने युगों तक रहेगा फिर चला जाएगा। ये विचारधारा तो हमारे सनातन धर्म में पहले से ही है। तो जो सदा है, सर्वदा है, उनको कहते हैं शाश्वत। और दूसरा शब्द प्रायः हम सबका जाना पहचाना हुआ कृष्ण। जैसे ही शब्द सुनते हैं तो वो बांसुरी याद आ जाती है, वो अगैया याद आ जाती है, और वो नृत्य याद आ जाता है। परंतु यहां पर भगवान शंकराचार्य जी ने कृष्ण शब्द की व्याख्या विष्णु संबंधित की है कि भगवान विष्णु में यह कृष्ण शब्द कैसे घटित होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने महाभारत के एक श्लोक को, उद्योग पर्व के श्लोक को उद्धृत किया है और कहते हैं कृषिर्भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृतिवाचक विष्णुस्तद्भाव योगाच्च कृष्णो भवति शाश्वतः। ये जो कृष्ण शब्द है उसमें कृष इतना जो पद है वह सत्तावाचक है, और ण वो सुख का वाचक है, वो आनंद का वाचक है। और सत्ता एवं आनंद यह दोनों भाव भगवान विष्णु में है, सदा है, नित्य है, इसी कारण सदा उनको श्री कृष्ण हम कृष्ण कहते हैं। देखो किसी नाम का अर्थ, भगवान संबंधित किसी भी नाम का अर्थ हमें पता ना हो, फिर भी अगर हम उनको याद करते हैं, उनका जप करते हैं, तो नाम तो अपना काम करेगा ही करेगा। परंतु इन आचार्यों ने बड़ी कृपा की। अब हम महाभारत में कहां उद्योग पर्व कब अनुकूलता सबको होती है, नहीं होती, तो इन बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत खोज करके हमें इन नामों के रहस्यों से अवगत कराया। क्यों ऐसा? उनका एक ही हेतु रहा कि आप नाम जपते हो अच्छी बात है, परंतु किसी नाम का अर्थ समझकर
जब आप जप करोगे तो अर्थ का पता होने से उस तरह का भाव बनता है, और भाव बनता है उस तरह की एक श्रद्धा मजबूत होती है, और मजबूत श्रद्धा के साथ किया हुआ जप और फलदायी होता है। पुरुषोत्तम मास में हम सभी लोग भगवान के नाम के रहस्यों को जाने और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी तो योग्यता नहीं कि हम आपके रहस्य तक पहुंच सकें, आप ही कृपा करें और कुछ कृपा प्रसाद आप बरसाते तो है ही है, बस हम उनके पात्र बने, ऐसी कृपा करें। जय श्री कृष्णा।